in a democratic nation of ours, every eligible voter must make an effort to vote, and that's the only reason I'm here. लेकिन अगर इलेक्शन रखना है तो कोई अच्छे मौसम में रखें, अच्छे महीने में रखें. इतनी गर्मी में सब लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, सब इतने दुखी हैं, तो जो जीते उसे ये बात याद रहे. ओके, ये मैं रहती हूँ सेरेनिटी में, मेरा वोट वहीं पे है, स्कूल सिटी इंटरनेशनल स्कूल में. तो अभी वहाँ पे जाके पता चला कि अभी यहाँ पे वोट है, बट कोई बात नहीं है, फिर हम लोग फटाफट आ गए. हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ. आधे लोग देखो आए हैं, सब लोग रिक्शा में, टैक्सी में चल चल के सुबह. इसमें से आधे लोग वापस जाएंगे क्योंकि सिस्टम नहीं है. और वहाँ पे फ्रेंकली स्पीकिंग आधे लोग बहुत कम है सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, बीएमसी की तरफ से, कि लोगों के वो जो नंबर्स है जो होते हैं वो मिल नहीं पा रहे. इनको तैयारी में आना चाहिए था, और बहुत ढीला काम हो रहा है, बहुत धीमा काम हो रहा है. और मैं कैंडिडेट हूँ तो मुझे अधिकार नहीं है अंदर बोलने का अभी फिलहाल, वरना मैं लोगों के लिए फटाफट मैं काम कर लेती. मैं इच्छा रखती हूँ कि मुझे एक मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं ये सिस्टम फास्ट कर दूँगी. मेरे अंडर में अपना सिस्टम, अपना एरिया का फास्ट कर दूँगी, ये तो पूछने की बात ही नहीं है. थैंक यू सो मच. देखिए, मैं सबको जनता के हाथ में और ईश्वर के हाथ में छोड़ा है. अगर उन्हें सच्चाई और अच्छा और ईमानदार सेविका चाहिए, नेता चाहिए, या उनको भ्रष्टाचार से परेशान हो गए हैं, जो उनके अगर कोई भी नेता अगर उनकी नहीं सुनता है तो वो मुझे ज़रूर चुने. मैं हमेशा मतदान करती हूँ, लेकिन इस बार मी हमें दर वेळी मतदान करते मत देते, आणि ह्या वेळी मी स्वतःला दिलाय, कारण मला भरपूर काम करायचं लोकांसाठी, गरिबांसाठी. कारण हा सिस्टम एकदम खराब है, सिस्टमात कोणी ऐकत नाही आहे, गव्हर्नमेंटचे पैसे खाऊन काम करतात, जसं काम व्हायला पाहिजे तसं होत नाही आहे. आणि मला भरपूर विश्वास आहे की लोक मला वोट देणार, आणि मला एखादा चान्स दिला तर मी काम करून दाखवणार आहे. हो, मी निवडून आले की मी सिस्टम फास्ट करणार, आणि लोकाला जास्त प्रॉब्लेम होणार नाही आहे. मैं चुनके आती हूँ तो मैं सिस्टम को फास्ट कर दूंगी. किसी को भी रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे एरिया में, और किसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी. बेसिकली चाहे पुलिस हो, चाहे कार्ड बनाने का हो, चाहे राशन कार्ड बनाने का हो, चाहे अस्पताल का हो, मैं पूरा ख्याल रखूंगी पर्सनली जाके. और मुझे विश्वास है ईश्वर पे, ईश्वर सबको मौका देता है, जनता सबको मौका देती है. मुझे एक मौका मिलेगा, मैं अच्छा काम करके दिखाऊंगी. तो ऑब्वियसली नेशनल इश्यूज को लेके ही वोट डाला है, और देश देश होता है, एवरीथिंग हैज टू बी टुगेदर. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डेज फॉर मी एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. मेरी जो अर्लियर जनरेशन है उन्होंने बहुत मेहनत करके, बहुत मतलब खून बहा के हमको इस राइट का के लिए, हमारे लिए झगड़ा करके फ्रीडम का फाइट किया था. एंड आई थिंक वी हैव टू लिव अप टू दिस. ये दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मैं अपना अपनी जो आवाज़ है वो सुनवा सकती हूँ इस एक एक्शन से. सो इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन. You know, but लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजर्स होते हैं करते हैं, फिर पता लगे कोर्ट कचहरी में, केस कचहरी में भुगत रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो वेरी डेंजर. सब बोलते हैं करप्शन 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 करप्शन, वो तो सबको मालूम है, इवन बच्चों को मालूम है, जो भीख मांगते हैं उनको भी मालूम है. लेकिन अपना अगर इस कंट्री में इतने रिसोर्सेज हैं, अगर करप्शन नहीं होगी तो सब खुश होंगे, सुखी होंगे, और हम दूसरे जो गरीब कंट्रीज हैं उनकी भी मदद कर सकते हैं. इतने रिसोर्सेज हैं हमारे हिंदुस्तान में. एंड बाकी जितने भी नेता लोग आते हैं, चुन के आते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि जो उन्होंने पब्लिक से वादे किए हैं वो पूरे करें, बजाय कि अपने बारे में. मिडिल एज लोग आए या यूथ आए, मुझे तो ऐसा लग रहा था इस टाइम के लॉट ऑफ द यूथ इज गोना कम एंड वोट, बिकॉज यू कुड हियर अ लॉट ऑफ वॉइसेस, यू कुड हियर अ लॉट ऑफ पीपल यू नो स्पीकिंग देयर माइंड. सो आई थिंक इट्स क्वाइट सैड दैट यू नो इफ दे स्पीक at different platforms, but on the day of where it's really, you know, you're meant to speak and you're meant to exercise your right, you don't do it. So it's quite a sad thing that they're doing. Well, I think each to its own. You know, people have their commitment. Unke commitment says what they left. I am no one to judge. You know, that's also work. And I'm sure there are other ways of voting. Proxy, you know, so well, like I said, you know, I'm nobody to judge. I'm here to exercise my right.